गए। देश आजाद होने में 75 साल हो गए। इसमें महात्मा गांधी जी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था इस देश को आजादी दिलाने में। उसके बाद नेहरू जी का रहा, इंदिरा जी का रहा, सरदार वल्लभभाई पटेल का रहा, भीमराव अम्बेडकर का रहा। ना मालूम कितने बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए यहाँ पर, जिन्होंने हंसते हंसते अपना फांसी का फंदा गले में फेर लिया और हमको आजादी दे दी। हम आजाद भारत में रहते रहते 75 साल हो गए, इसलिए हमको समझना है आने वाला समय और मुश्किल से आने वाला है, क्योंकि ये बीमारी इसकी तरह और आ रही है। आजादी हम परेशानी में आ जाएंगे, फिर हमारे बच्चे दिख जाएंगे स्कूल में जाने से, हमें काम नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ बचत करना भी सीखो, कम खर्चा करना भी सीखो और काम एक से ज़्यादा अधिक हाथ में हो। अभी काम करने की आपने क्षमता है, जो अभी कम उम्र वाली महिला है आपने दिक्कत नहीं है, आप काम करें, अच्छा काम करें, एक से ज़्यादा काम करें। मतलब काम आपको करना ही है, जबकि काम नहीं हमें कोई नहीं देता, बैठे बैठे बच्चा भी करना है, बाहर का बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों को भी पढ़ाओ, ये बिना मास्क घूमते रहते हैं, इसके भी आपको भी ध्यान दो। आज ये अगर किसी बार ये कोरोना आ गया तो हम बहुत फंस जाएंगे और हमें काम नहीं मिलेगा, हमें बड़ी तकलीफ में हम आ जाएंगे, भूखमरी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी, फिर चोरी और डकैती होने लग जाएगी। इसलिए आपसे ये आग्रह है कि फिर हम दोबारा मिलेंगे और अच्छी विस्तृत रूप से आपसे बात करेंगे और जो आप चाह रही हैं हमें ये काम करना है आपको बताएं, हम भी आपके संगठन के साथ ही संगठन के साथ मजबूती के साथ लगेंगे और आपका एक एक काम हम करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ आपको 75 साल होने पर आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमें खाने पीने की व्यवस्था करनी है, हमारे बच्चों की भी व्यवस्था करना है, उनका उसकी भी सहूलियत बढ़ाने के लिए दवाई को बहुत बहुत धन्यवाद मैडम साहिबा की आपको अच्छा एक भारत महिला शक्ति। तो बात समझ में आई ना मैडम जी, आप लोगों ने अपनी लड़की के लिए आवेदन किया होगा है ना 55,000 के लिए, किन किन ने आवेदन किया हाथ खड़े करके बताया, किस किस को पैसा नहीं मिला 55,000 अपनी बेटी का पैसा, किस किस को नहीं मिला हाथ खड़े करके बताया। आपको नहीं मिला ना, आपको मिला क्या, आपको नहीं मिला। छात्रवृत्ति के लिए किसने आवेदन किया, बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किसने किया, छठी सातवीं आठवीं हाथ खड़े करके बताया। नहीं नहीं मिली ना, कोई बात नहीं, हम लोग जब संघर्ष करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। एक बार जोर से नारा लगाएं, महिला शक्ति। नहीं बैठो, इसे बैठो, नहीं सादे बैठो, आगे हाँ 10 मिनट वो फिक्र है, थोड़ा देर होती है, एक छोटा सा गाना गाएंगे। जागा है इंसान जमाना बदल रहा, उल्टा है तूफान जमाना बदल रहा।
योजना की जानकारी के लिए आपको सुनना पड़ेगा, फिर नहीं तो कोई दलाल आएगा, मैं आपकी लड़की का पैसा पास करा दूंगा, 10,000 ले लेना, फिर आप उसके घर से मैं जाओगे जबकि लड़की का पैसा बंद पड़ा है ना। फेंका छाप अंगूठा कुछ नहीं मिलने वाला। आपको पता है कि आपके बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने बच्चों की छात्रवृत्ति लेने के लिए कंस्ट्रक्शन वेलफेयर यानी मालिक या ठेकेदार का प्रमाण पत्र चाहिए, वो आप नहीं ला सकते। क्या कोई मकान मालिक बताएगा मैं कितना लाख का मकान बना रहा हूँ, बताएगा क्या? आपको बताएगा क्या कितना लाख खर्च कर रहा हूँ? क्या वो बताएगा कि मैंने कितने फीट का मकान बना रहा, बताएगा क्या? क्या वो बताएगा कि मैं कितने माले का बना रहा हूँ, कौन सी टाइल लगा रहा हूँ, कौन सा मार्बल लगा रहा हूँ, बताएगा क्या? नहीं बताएगा। एक मजदूर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है उस सर्टिफिकेट पर साइन कराना, इसीलिए हम लोगों को नहीं मिलती है। लेकिन जो अक्सर में जो मजदूर काम करते हैं, जो हिस्से का काम करते हैं, मार्बल का काम करते हैं, वो लोग करा सकते हैं, क्योंकि वो लोग काम करते हैं। उनका मकान मालिक हंसते हंसते उन पर साइन कर देगा, लेकिन आप लोगों के साइन नहीं करेगा, क्योंकि आप घरों में झाड़ू पोछा करने के काम। मैंने पिछली बार बताया आपको कि आप लोग दलालों के चक्कर में नहीं आए, उनको 1,000-2,000 आप दे देते हो, कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हो, कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हो, वो पैसा सारा सारा दलाल को दे देते हो, दलाल ले जाते हैं आपका सारा पैसा, वो दलाल लेके चला जाता है, वो खा पी के आनंद करता है। कोई भी बस्ती में अगर आ गया आपको राशन मिलता है क्या? आप बोलो नहीं। आपको छात्रवृत्ति मिलती है? बोलो नहीं। मैं दिलाऊंगा, ओ जैसे भगवान आ गए, है लो मेरी रसीद काटो 50-50 रुपए की, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मेरे लिए रसीद काटो 200 रुपए की, मैं लड़ूंगा। होता क्या है? होता क्या है? ठगा कौन जाता है? कौन ठगा जाता है? हम लोग। उस रसीद में क्या लिखा हुआ पता है? आपके द्वारा दिया गया 100 रुपया गौशाला में दान किया है। क्या लिखा है? और आपने देखा छात्रवृत्ति के लिए दिया, कहां से मिलेगी छात्रवृत्ति? अब आप उसमें कोर्ट भी जा सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि इस बात को लेकर अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको सारा खर्चा और उल्टा देना पड़ेगा लोगों को। अब आप केस भी नहीं कर सकते, और 100 रुपये के लिए कौन जाएगा भाई? इसीलिए दलाल और ऐसे फर्जी लोग आते हैं, सस्ता है वाले फर्जी लोग यूनियन वाले आते हैं, वो आपसे हजारों लाखों रुपए लूट के लेके चले जाते हैं। प्रमाण ये है, अभी 10,000 आवेदन पड़े थे, 10,000 आवेदन पड़े हुए हैं श्रम विभाग में, लंबी पड़े हुए हैं। वो इसलिए पड़े हुए हैं कि उन्होंने 320 रुपये लेके आवेदन कर दिए। अब उस मजदूर को कितना फंसा दिया आपको पता नहीं है? उस मजदूर को 320 रुपये लेके उसका पूरी लाइफ खराब कर दिए। जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन वहाँ से खारिज नहीं हो जाता तब तक वो नया नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें रूल भी नहीं है खारिज करने का। आप बताइए कैसे होगा? 10,000 मजदूर जो दिहाड़ी काम करते हैं उनको भी फायदा उसका नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण ये है कि हम लोग भेड़ की चाल, एक भेड़ जिधर जाता है हम भी उधर चले जाते हैं, पता नहीं करते हैं। एक बार सिस्टर कृति को फोन लगा के पूछ लेते हैं सिस्टर ये कौन सा काम चल रहा है, एक बार गोविंद को फोन लगा दो भाई ये कौन सी यूनियन से आए जगह पूछ लो आप, एक बार आप कामिनी जी को फोन लगाइए कि ये कौन सी यूनियन से आई आप उसे बात कीजिए। लेकिन हमारी जागरूकता क्या है? बैठे बैठे और फिर हमारे कामिनी जी काम खराब कर देगा, है गोविंद जी काम खराब कर देगा, कृति जी काम खराब कर, अपना भविष्य आ रहा अपना चेयर आने का 320 रुपये यानी काम सबको। अब 320 रुपये को लेके गया और वापस आए उसके ऊपर केस करना पड़ेगा, पैसे भी वापस लेने पड़ेंगे, और जब तक मजदूरों का कोई फायदा नहीं, अगर किसी मजदूर की दुर्घटना में मौत हो जाती है उसको फुटी गोली नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि उसने काम भी उल्टा किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप किसी भी ठग के दायरे में नहीं आए। अगर आपको लगता है कि हमें पूरी योजना चाहिए तो लेबर लाइन क्या लिखना है अपने मोबाइल से लिखना है, लेबर लाइन गूगल पे लिखेंगे उसका नंबर आ जाएगा, उस लेबर लाइन को फोन करके आपको शिकायत दर्ज करनी है। अगर कोई फर्जी आदमी आपके गांव में आता है तो 181 छोटा सा नंबर है 181 उस पर फोन करना है और शिकायत को दर्ज करना है। अगली कड़ी में मैं आदमी नहीं हमारे समाज सेविका और हमारे जनप्रतिनिधि, पता नहीं हमारे मैडम कितने किरदार निभाते हैं कभी कभी तो मैडम को हम फिल्म में भी देखते हैं, मैडम ने बहुत पहले फिल्म भी बनाई थी तो एक अच्छे कलाकार भी है, तो कमी जी को आवाज़ देता हूँ।